नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप जमीन और जायदाद खरीदते हैं और उसके बाद आपको कई बार कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो अब आपको इससे निजात मिल सकता है। आपको बताएं कि योगी सरकार की तरफ से एक नियम लाया जा रहा है, जिसके तहत अब आपको कचहरी के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। कौन सा ये नियम है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और कब से इस योजना की शुरुआत होगी, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कई बार तहसीलों में लंबे चलने वाले राजस्व मामलों के निपटने में तेजी लाने के निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने विरासत व उत्तराधिकारी के मामले में समय पर निपटाने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इसमें अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक भी की है। उन्होंने कहा है कि शिकायतों और समस्याओं का निवारण करने में काफी वक्त लगता है, इसलिए इसे कम वक्त में पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित में संचालित विभागीय योजना की प्रगति समीक्षा की भी बैठक की और कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। योगी ने कहा है कि गांवों में स्थापित सुविधाओं के विकास में आमजन को सहभागी बनने के लिए मातृभूमि योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के तहत अगर आप तहसीलों और कचहरियों का चक्कर लगा रहे हैं, तो अब आपको कम वक्त में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके वजह से आपको कई बार अपना समय बर्बाद करना पड़ता था, उसमें आपको सुविधा मिल सकता है। इसके साथ ही इसकी औपचारिक शुरुआत शीघ्र ही की जाएगी, इसकी भी जानकारी दी गई है। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना से जुड़कर अपने गाँव में अपनी पूर्वजों के नाम पर भवन, सड़क, कम्युनिटी सेंटर आदि बनवाने की इच्छा जताई है। इस योजना से आधिकारिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। नागरिक क्षेत्र के लिए भी ऐसी योजना बनाई गई है। बताया ये जा रहा है कि दिसंबर तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत इसी साल दिसंबर से शुरू हो सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सुभव मित्र और विरासत जैसे कार्यक्रमों में आमजन बड़ी सुविधा प्रदान कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए लाखों लोग इस विरासत से जुड़ने वाले हैं। तो ये एक अच्छी और बड़ी खबर है उन लोगों को, यूपी के लोगों को, जो ज़मीन और जायदाद खरीदना चाहते हैं और इसके लिए काफ़ी वक्त अपना लगाते हैं। इसके लिए एक योजना योगी सरकार की तरफ से लाई गई है, इसका लाभ भी आम लोग उठा सकते हैं और कई लोग इसके साथ जुड़ने की इच्छा भी जाहिर किए हैं। तो इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और इस वीडियो को आपने पूरा देखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।